हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पिकाजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल, मतलब एक पॉलिनोमियल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हमारे पास कई सारे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हों। तब हम कैसे बताएंगे कि कौन सा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा और कौन सा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसको बताने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर उनको हम ध्यान में रखेंगे तो हम कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको आज इस वीडियो में हम देखेंगे बिल्कुल कम्प्लीटली, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो हम देखते हैं अपने पॉइंट्स को, कौन से पॉइंट्स हैं वो। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है पावर ऑफ वेरिएबल शुड ऑलवेज बी होल नंबर। मतलब जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया होगा और हमसे पूछ रहा होगा कि ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, तो उसको बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड ऑलवेज बी होल नंबर। मतलब उसमें जो वेरिएबल का यूज़ किया गया है, उसमें जो भी वेरिएबल्स का यूज़ किया गया होगा उसकी जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब, होल नंबर कौन सी होती है, वो नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कभी नेगेटिव नहीं होती, ना ही रैशनल होती हैं, ठीक है। ये क्या होंगी, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके की अगर नंबर हो तो हम उसको बोल सकते हैं क्या, होल नंबर। और अगर यही होल नंबर किसी वेरिएबल की पावर हो तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमें क्या ध्यान देना है, सेकंड पॉइंट है हमारा कि जो पॉलिनोमियल होता है वो कैन नेवर बी रैशनल, वो कभी भी कैसा नहीं हो सकता, एक रैशनल फॉर्म में नहीं होगा। रैशनल का मतलब जिसको हम पी अपॉन क्यू में मतलब उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो क्या होगा, मतलब पी अपॉन क्यू में अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो तो इरेशनल हो जाएगा। लेकिन रैशनल कौन सा होगा, जिसको हम पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर रैशनल है अगर कोई एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्यों, पॉलिनोमियल कभी भी रैशनल नहीं होता, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उनको और देखते हैं, तब हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कौन सा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला एग्जांपल है वो क्या है कि 2x² + 4x + 5 ये हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा इसका पता करने के लिए मैं क्या किसको अप्लाई करूंगा, ये दोनों पॉइंट्स को अप्लाई करूंगा कि देखो सबसे पहले देखना है कि पॉलिनोमियल कैन नेवर बी रैशनल, ये कभी मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है वो रैशनल नहीं होगा, तो ये रैशनल नहीं है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि रैशनल मतलब ये अपॉन में तो नहीं है, मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर तो नहीं दिए गए हैं इसमें, तो ये रैशनल नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि जो पावर ऑफ वेरिएबल शुड ऑलवेज बी होल नंबर, मतलब जो वेरिएबल की पावर है वो कैसी होगी, वो होल नंबर होगी। तो देखते हैं, तो हमारा जो वेरिएबल है x, तो इसकी पावर कितनी है 2, हाँ ये एक होल नंबर है। और यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब ये भी क्या है, होल नंबर है, ठीक है। और भी कोई ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अब ये सारी कंडीशन ये फुलफिल करता है तो इसका मतलब ये क्या है, एक मतलब पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। सेकंड वाले पे देखते हैं तो 4x + 5 इसमें जो वेरिएबल है x, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो ये होल नंबर है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये पॉलिनोमियल होगा। और ये इसमें कोई भी वेरिएबल रैशनल फॉर्म में नहीं दिए तो हम इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला क्या है, 3√x + 5x² + 6 तो इसमें वेरिएबल कौन सी है, देखो रूट एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, मतलब x की पावर यहाँ पर 2 दी है, तो ये तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ पर x की पावर कितनी है, तो x पर क्या लगा हुआ है, रूट, मतलब स्क्वायर रूट लगाए, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है रूट एक्स, तो इसको मैं अगर पावर में कन्वर्ट करूँ तो कैसे करूँगा, तो पहले x लिखूंगा और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और 1/2 कौन सी नंबर होती है, होल नंबर नहीं होती है, वो एक कौन सी नंबर होगी, वो रैशनल नंबर होगी। कौन सी नंबर होगी, रैशनल। और रैशनल नंबर अगर पावर मतलब कोई भी वेरिएबल की पावर हो तो हम उसको पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। हाँ ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो हम फोर्थ वाले एग्जांपल को देखेंगे, x + 1/x। अब देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स और यहाँ पर क्या लिखा है, 1/x, ठीक है। तो 1/x है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे मान लो लिखा है
x plus 1 upon x, अब मैं इसको 1 upon x को कैसे लिखूंगा, x plus x की पावर minus 1, इसका मैं क्या कर दूंगा, इनवर्स करूंगा, तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव कभी भी वेरिएबल की पावर नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और दूसरे तरीके से हम कैसे देख सकते हैं इसको, देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो रैशनल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, रैशनल है, तो यहाँ पर ही बात खत्म हो जाती है कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, तो हम ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं। हम देख फिफ्थ वाला अपना एग्जांपल देखते हैं, वो कौन सा है कि x की पावर माइनस फाइव प्लस फोर एक्स, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, तो इसको हम पता करते हैं, तो x की पावर कितनी है माइनस फाइव, तो देखो यहाँ पर ही बात खत्म हो गई कि x की पावर कितनी है माइनस फाइव, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल होगी उसकी जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, तो हम सिक्स्थ वाला एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन एक्स, अब देखो ये रैशनल फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, रैशनल, ये न्यूमिनेटर वाला पार्ट है हमारा ये वाला, और ये कौन सा वाला पार्ट है, ये डेनोमिनेटर वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये रैशनल फॉर्म में, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक रैशनल फॉर्म में है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कभी कभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखे हो कि हमें मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है वहाँ पर कि वो एक मतलब पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसको हम कैसे बताएंगे, तो कौन सी कंडीशन है, जैसे मान लो आपको दिया है कि x की पावर 3 अपॉन में x और प्लस 5, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन हो सकता है क्या, कि देखो हम डायरेक्टली अगर देखेंगे तो ये रैशनल फॉर्म में, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों, क्यों, लेकिन ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से कट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की पावर थ्री में डिवाइड करेंगे एक्स का, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, तो इस तरीके से ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, तो ये कंडीशन अगर इस तरीके की हो तो हमें उनको क्या करना है, सॉल्व करना है, अगर वो सॉल्व हो सकते हैं तो उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना है, फिर हम बता सकते हैं कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पॉलिनोमियल को हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, कि जब हमें कई सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हों तब हम कैसे बता सकते हैं कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे पता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने सब कुछ सीखा होगा। यदि आपको इसी तरीके की वीडियोस और चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन को ही दबाइए, ताकि सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें।